अब एक उम्मीद जगाती खबर भोपाल से। मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लिया जाए, यही जिद कामयाबी हासिल कराती है। रोशनपुरा चौराहे पर भी जब शराब की दुकान खोली जा रही थी, तब वहां के रहवासी विरोध में सड़क पर उतर आए और ठान लिया कि कुछ भी हो जाए यहाँ दुकान नहीं खुलने देंगे। सुबह से ही महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठ गए। शराब दुकान के विरोध में सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी। मामला गलत जगह पर खुल रही शराब दुकान का है। जिस जगह यह शराब दुकान खुल रही थी, असल में आबकारी विभाग द्वारा उस जगह का टेंडर ही नहीं है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अचानक आनंद फानंद में शराब ठेकेदार द्वारा अंग्रेजी शराब की दुकान वाहता खोला जा रहा था, जिसका रहवासी विरोध कर रहे थे। विरोध को देखते हुए आबकारी अधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि गलत जगह पर इस शराब दुकान को नहीं खुलने दिया जाएगा। देखिए, हमारी एक्साइज ऑफिसर से बात हुई, यहाँ पे खुले जाने की कोई अनुमति नहीं है। इनकी दुकान जो है पीछे में गई थी और वहाँ की अनुमति थी, और मेरे पास जो सूची है उस सूची के मुताबिक ये दुकान जो है इस रोड पे नहीं खोले जा सकते हैं। और यहाँ पे उनके द्वारा चूंकि कोई अनुमति नहीं है, ना कलेक्टर द्वारा अनुमति है, तो ये अनऑथराइज ही हटाया जाएगा, यहाँ नहीं खोले जाएंगे। आश्वासन की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्षेत्र उनका नहीं है और यहाँ के लिए हमारे द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। इस क्षेत्र में दुकान के लिए ऑलरेडी जहाँ पर चल रही है दुकान वहीं पर शुरू होगी। मैंने उनको सिर्फ इतना बताया कि इस क्षेत्र में यहाँ पर दुकान लगाने की कोई स्वीकृति शासन के द्वारा नहीं दी गई है। सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो दुकान का टीटी नगर एक नंबर का जो ठेका है, वो इस क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। क्षेत्र से बाहर आकर और दुकान खोलना, जो उनके रेंज है उससे बाहर आकर दुकान खोलना है, पहली चीज सरासर गलत है। दूसरी चीज, पास में ही बच्चों का स्कूल है, सामने बस्ती लगी हुई है, बाजू में रिहायशी इलाका है, मंदिर है, सब चीजें हैं। सब चीजों को ताक पे रखते हुए सरासर मतलब ये प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन की सरासर अनदेखी है। क्या चूक हुई जो अनुमति कर दी गई, तो मेरा इसका विरोध है। और यहाँ पर अगर मतलब दुकान खुलती है तो मैं आमरण अनशन पर तक बैठूंगा। शराब ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ पूरा मालवीय नगर, रोशनपुरा के रहवासी, व्यापारी व स्थानीय नेता एकजुट हो गए और एक मत होकर सभी शराब दुकान खुलने के विरोध में धरने पर बैठ गए। नहीं, हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो शराब की दुकान यहाँ आवंटित की है शासन प्रशासन के द्वारा, हम उसका विरोध करें। हम यहाँ दुकान नहीं खुलने देंगे। ना तो इन्होंने ये ध्यान रखा कि राजभवन पास में, मंदिर मस्जिद पास में, रहवासी क्षेत्र पास में, बच्चों का भविष्य है, इनने किसी को ध्यान में न रख के इनको दुकान सोम ग्रुप वालों को आवंटित की है। हम यहाँ के जो रहवासी हैं, शासन प्रशासन के विरोध में यहाँ सभी लोगों का उग्र विरोध हो रहा है और प्रदर्शन कर रहे हैं, और यदि ये नहीं माने तो हम जो है दुकान नहीं खुलने देंगे और इसका अनिश्चितकालीन धरना भी हमारा। इसलिए कि एक तरफ तो नारी सुरक्षा की हम बात करते हैं, नारी उत्पीड़न रोकने की बात करते हैं, बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटियों के संरक्षण की बात करते हैं, और दूसरा अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो राजनीतिक आंदोलन या कोई भी आंदोलन होता तो यहाँ से आप 200 मीटर से ऊपर पे जो है बैरिकेड लगा के वहां पर रोक देते हैं। और यहाँ पर राजभवन है, यहाँ पर सामने व्यापारिक क्षेत्र है, दो दुकान, दो घर के बाजू में स्कूल है, इधर सामने मंदिर है। जो आबकारी नीतियों के हिसाब से भी जिस क्षेत्र में महिलाएं अगर विरोध करती हैं उस क्षेत्र में शराब व्यवसायी दुकान नहीं खोल सकता। हम लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से आमरण मतलब अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए, एक तरफ नशे के ठेके देती है, एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र चलाती है, दोनों तरफ से सरकारें लूट रही हैं। 2015 में मध्य प्रदेश सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को जमहूरी मैदान से एक ज्ञापन दिया था कि मध्य प्रदेश नशा मुक्त होना चाहिए। आज उनने उस जनता की आवाज़ को नहीं सुना तो उनको यह जनता ने सबक सिखा दिया। अगर यहाँ पर भी शराब की दुकान खुली तो ये सरकार के लिए यही होगा। वैसे सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो एक यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हुई, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ये क्षेत्र वैसे भी बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ जहाँ एक और राजभवन है, सामने निम्न वर्ग आय की बस्ती है और मंदिर मस्जिद सब पास में है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे शराब की दुकान खोली जाने से, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही संवेदनशील स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और कभी भी कोई गंभीर घटना घट सकती है। शराब दुकान खुलने के विरोध में रहवासियों ने लोकसभा प्रत्याशियों को भी दो टूक कह दिया कि अगर यहाँ शराब दुकान खुली
तो हम सभी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी को भी इस इलाके में ना तो प्रचार करने देंगे और ना ही कोई वोट डालने जाएगा। यहाँ पे शराब की दुकान की अनाधिकृत परमिशन की मतलब सामने आई है बात, और अगर ये शराब की दुकान खुलती है गलती से भी तो हम लोग मतदान का लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी नेता को, किसी भी दल के नेता को घुसने नहीं देंगे। और यहाँ ये वार्ड नहीं, इसके आसपास के 10-5 वार्ड भी इससे प्रभावित होंगे। ये छोटी सी चिंगारी है, आगे चल के ये बहुत बड़ा आग का गोला बन सकती है, भड़क सकती है आग। इसलिए बिल्कुल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो है इस तरह अनाधिकृत जो है दुकानें नहीं खोलना चाहिए। किसी भी तरह की पूरी तरह जांच होना चाहिए कि उसका जो क्राइटेरिया जो भी है वो निर्धारित होने के बाद दुकान की परमिशन देना चाहिए। और बच्चों के रहवासी क्षेत्र से और धार्मिक क्षेत्रों से दूर होके ये दुकानें खोलना चाहिए। ऐसा हमें खबर है कि खुलने वाली है, हम खुलने नहीं देंगे। हम शासन के खिलाफ है कि शासन यहाँ पे दुकान ना खोले। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल एक घर छोड़ के 50 मीटर पे स्कूल, 50 मीटर पे मंदिर है। यहाँ पे दुर्गा प्रतिमा का विगत 30 वर्षों से दुर्गा प्रतिमा का यहाँ पे स्थापना की जाती है, होली का दहन की जाती है, सब त्यौहार गणेश चतुर्थी वगैरह सब यहीं मनाया जाता है। और चंद कदमों पर ही राज्यपाल जी महोदय की बाउंड्री वालों सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल सामने ही पड़ रही है, तो हम यहाँ इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि इस शराब दुकान का विरोध रहवासी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इलाके में छोटे बच्चों का स्कूल है, कई फैमिली रेस्टोरेंट है, मंदिर व मस्जिद है, महिलाओं के दफ्तर है, दुकान के ठीक सामने कई स्थानों से झांकियां लगती आ रही हैं। राजभवन कुछ कदम की दूरी पर है, विधानसभा मार्ग भी यहीं से होकर जाता है। यह शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है जहां शराब की दुकान खोली जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटना होने का डर बना रहता है। शराब सभी महिलाओं के घर बिगाड़ती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा किसी भी महिला का घर बिगड़े। यहां पे शराब पी के लोग ऐसे पड़े रहेंगे, यहां पे मंदिर मस्जिद स्कूल सभी चीजें है और यहां बिल्कुल बीच मार्केट में ये शराब की दुकान खुल रही है, तो कैसे हम लोग का महिलाओं का आना जाना तो बिल्कुल घर से निकलना बंद हो जाएगा। रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होंगे, कुछ ना कुछ होती रहेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुले। यहाँ पे स्कूल है, दरगाह है, मंदिर है, मस्जिद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस्ती है, गरीब लोगों की बस्ती है, कम से कम 15,000 की बस्ती है। और इस तरह से ये लोग यहाँ शराब खोलकर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि शराब सभी महिलाओं के घर बर्बाद करता है। सभी महिलाएं भी जानती हैं और ये पुरुष भी जानते हैं कि पीकर आना और घर में बच्चों का देखना ये बहुत ही बुरी बात है। अगर ये दुकान यहाँ खुलेगी तो हमारा तो यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ हमारे बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, बहनें आती हैं, हम कैसे यहाँ से निकल पाएंगे? हमारा तो आना जाना जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर महिलाएं रहती हैं, यहाँ पर एक बस्ती है, चारों तरफ बस्ती है, पूरा दुकानदार रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होना बहुत ही घातक है। प्रदेश में शराब माफिया किस कदर हावी है ये आपको देखने को मिल रहा है। पास में स्कूल है, पास में मंदिर है, पास में मस्जिद है, पास में छोटे छोटे बच्चे खेलते भी है। एक पॉश इलाका माना जाता है जहाँ पे रहवासी रहते हैं, भले लोग रहते हैं। यहाँ पास में शराब की दुकान खोलना कितना घातक हो सकता है, ये हम रहवासियों से ही जानने का प्रयास करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ रहवासी जुड़े हुए हैं। बताइए क्या क्या हुआ, क्या शराब दुकान खोलने से? शराब दुकान खोलने से सभी को यहाँ पर नुकसान होगा। हमारा यहाँ पर निरंतर तीसरा दिन है आज धरने का, है ना। 2 दिन से हम लोग थोड़े कम उसमें कर रहे थे, उग्र नहीं थे, परंतु आज हमें पता चला कि 1 तारीख को यहाँ से दुकान लगने वाली है। सारी परमिशन, सारे मतलब डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें हो चुकी है। तब हम लोगों ने समस्त रोशनपुरा वासियों और यहाँ के रहवासियों और व्यापारियों ने संगठित होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का निश्चय किया। हम तो इतना भी है यहाँ पर नवरात्रि में माता जी का स्थान में बिठाया जाता है यहाँ पर, और मेरा ये कहना है जब माता जी की मूर्ति स्थान होगी तो उस बाद में भी विवाद होगा। जो विवादित स्थिति यहाँ पर होने वाली आज नहीं कल होंगे, यहाँ पे लड़ाई की प्रदर्शन होंगे। जहाँ पे अभी आपने बीच में सुना होगा एक दारू दो नशेलों के बीच में लड़ाई हुई थी, एक शरीफ इंसान को एक जान से मार दिया गया था, उस दुकान को नष्ट किया गया था। आने वाले समय में जहाँ पे भी वही पोजीशन होने वाली है, जहाँ पे नशेले जब जहाँ से निकलेंगे, जहाँ पे मांस की दुकान नहीं है, जहाँ शाकाहारी बापू कुटिया का एक नाम चलता है, लक्ष्मी किरानी जी का नाम चलता है, उसके सामने एक शराब की दुकान होगी, कौन सी महिलाएं अपने घर से निकलेंगी? अभी नवरात्रि में उपास का समय आ रहा है, तो जहाँ पे जब शराब की दुकान नशेले यहाँ से निकलेगा और जब माता रानी की झांकी बैठती है उसके सामने पूजा करने आएंगे, नशेले पीछे से आएंगे, गाली गुप्ता करेंगे, वो खड़े होते हैं नशे में बाथरूम करने कहीं भी खड़े हो जाते हैं, उन्हें कोई दिखता नहीं है, नशे में कुछ नहीं दिखता उन्हें, पर वो आए दिन क्वार्टर जहाँ फेंकेंगे गली में 11:30 बजे के बाद। वो ये दुकानें 11 बजे बंद कराए थे पुलिस वाले, मगर दारू की दुकान 11:30 बजे तक खुली रहती है।
ठीक रहवासी और व्यापारियों का कहना है कि यहाँ झांकी भी बैठाई जाती है, यहाँ पे महिलाएं भी आती हैं, यहाँ पे पास में रेस्टोरेंट वगैरह हैं जहाँ सभी लोग खाने के लिए आते हैं, तो शराब दुकान कहाँ तक जाया जाए? कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। पूरा दिन धरने पर बैठे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई जब प्रशासन की ओर से साफ कहा गया कि यह दुकान आवंटन क्षेत्र में नहीं खोली जा रही, जो गलत है, इसीलिए यह दुकान यहाँ नहीं खोली जाएगी। का विषय है और यह भोपाल के इतिहास में पहली बार हुआ कि 12 घंटे के अंदर डिसीजन चेंज हो गया। और मातृशक्ति महिलाओं की और सभी रहवासियों की मांग थी, अगर ये दुकान खुल जाती तो कम से कम 20,000 पब्लिक को इससे भारी नुकसान होता। हम सभी के लिए धन्यवाद है, प्रशासन का भी धन्यवाद है जो हमारी बात को सुना।